हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद आकाश। तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी डिफरेंट टॉपिक एंड द टॉपिक विल बी कि देयर आर सम वर्ड्स व्हिच हैव द सिमिलर मीनिंग बट यूजेस ऑफ दोज वर्ड्स आर डिफरेंट। आज हम लोग कुछ ऐसे शब्द के बारे में चर्चा करेंगे कि जिसका मीनिंग एक होता है पर उसके वर्ड्स और उसके यूजेस अलग अलग होता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो सारे वर्ड्स क्या हैं। तो आज हम लोग जो वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे वो वर्ड है लिसन और एक वर्ड है हियर। बोथ हैव द सेम मीनिंग, दैट इज सुनना। सुन रहा है ना तू? एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज सिंक एंड ड्राउन। दीज टू वर्ड्स आर हैविंग द सेम मीनिंग, दैट इज डूबना। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लिसन और हियर का मतलब सुनना होता है, तो दोनों का यूजेज में डिफरेंट क्या है, कुछ तो अंतर होगा। जैसे हमने बताया था इन द लेक्चर, यू कैन सी देयर कि सी का मतलब भी होता है देखना, लुक का मतलब भी होता है देखना, वॉच का मतलब भी होता है देखना, बट तीनों में डिफरेंसेस है कि नहीं। तो हम लोगों ने देखा था कि बहुत डिफरेंसेस है। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि लिसन, हियर, सिंक, ड्राउन में अंतर क्या है। तो अगर हम इस हियर की बात करें, ध्यान से देखोगे तो हियरिंग क्या है? हियरिंग इज एन इवेंट। हियरिंग क्या है दोस्तों? तो दैट इज एन इवेंट। और अगर हम लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग इज एन एक्शन। ध्यान से समझेंगे। हाँ, क्या कह रहा है कि हियरिंग क्या है? तो एन इवेंट है। लिसनिंग क्या है? एन एक्शन है। एक्शन और इवेंट कैसे है, सब चीजें को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट यू आर स्लीपिंग एट नाइट। मान लेते कि आप रात में सो रहे हो, हर अचानक कोई चीज गिर जाती है और उसकी साउंड आपके कानों तक सुनाई देती है, तो उसको हम लोग कहते हैं हियर, HEAR। बट कोई, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो और ध्यान से उसे सुन भी रहे हो, तो इसे हम हियर नहीं कहेंगे बल्कि इसे हम लिसन कहेंगे। और ये एक एक्शन है और वो क्या था? एक इवेंट था जो अचानक चीजें हुई। जैसे एग्जांपल से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आई हर्ड समथिंग फॉलन डाउन। क्या कह रहा है? आई हर्ड समथिंग फॉलन डाउन। मैंने कुछ सुना और मैंने सुना कि कुछ गिरने की आवाज। तो गिरने की जो आवाज मैंने सुना वो अचानक सुना है ना, मेरी इंटेंशन नहीं थी है ना, मैं ध्यान पूर्वक नहीं, तो मेरा ध्यान नहीं था कि वो होने वाला है। बट अगर हम यहां के बात करें तो मैंने देखा, देखो यू आर लिसनिंग to music, you are listening to music। आप music सुन रहे हो, तो आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, आप intentionally सुन रहे हो। यही अंतर है आपका listen और hear में। hear किस लिए use करेंगे? an event के लिए, और listening action के लिए। before I further persist further, sink and drown में differences क्या है दोस्तों? I must tell you, if you feel better, if you feel this is good information and if you want continue this kind of information, these type of words, do subscribe, do like, comment and share most importantly। Now अब हम लोग आते हैं sink और drown में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। तो sink की अगर हम बात करें तो जब कोई non-living thing, जब कोई नॉन लिविंग थिंग
अगर वो डूबने की काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग सिंक का प्रयोग करते हैं, और जब कोई लिविंग थिंग या फिर लिविंग बींग डूबने की काम करे तो उसके लिए हम लोग ड्राउन का प्रयोग करते हैं। तो आते हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। बताओ, मैंने एक सेंटेंस लिखा, द पेन इज ऑब सिंकिंग ऑब्लिक ड्राउनिंग अंडर द वाटर और अंडर वाटर, है ना। तो आपको देखना यहां पे वर्ड क्या सही होगा, क्या आप सिंकिंग का प्रयोग करोगे या फिर ड्राउनिंग का प्रयोग करोगे। तो समझने के लिए, क्या डूब रहा है, पेन। पेन क्या है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो सभी को पता है कि पेन हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। अगर नॉन लिविंग थिंग की बात करें डूबने की, तो उसके लिए हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, तो सिंकिंग का प्रयोग करते हैं, ड्राउनिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहां पे ड्राउनिंग नहीं होगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से ड्राउन को। हाँ, अगर आप एक चैप्टर पढ़े होंगे डीप वाटर, है ना, क्लास 12th का बुक है, उसमें आपको देखा होगा कि विलियम डगलास राइटर है उसके और नरेटर भी है, जो उसको फेंक दिया जाता है, है ना, YMCA पूल से, तो वो क्या करता है, वो पानी में डूब रहा होता नीचे के लिए, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, विलियम डगलास वाज सिंकिंग अंडर द वाटर, या फिर यूज करेंगे विलियम डगलास वाज ड्राउनिंग अंडर द वाटर। तो डगलास कौन है, लिविंग थिंग है, लिविंग बींग, इसीलिए वहां पे हम सिंकिंग के बजाय ड्राउनिंग का प्रयोग करेंगे। तो सही क्या हो जाएगा, विलियम डगलास वाज ड्राउनिंग अंडर द अंडर वाटर। आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। इसे नोट कर ले, अगर आप इन सारे वर्ड्स का डिफरेंसेस आपको आता होगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अगर ये सारे वर्ड्स का डिफरेंसेस आपको पता चल जाएंगी, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होगी खास करके स्पीकिंग के लिए या फिर वर्ड्स का इस्तेमाल करने के लिए सेंटेंसेस में, वो बहुत ही चार्म करेगी, और जो पढ़ेंगे सेंटेंसेस को डिफरेंसेस के साथ, वो आपकी ओर अट्रैक्ट होगी। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।